है फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो है नोनी जूस के बारे में। नोनी जूस के क्या फ़ायदे हैं, ये जूस क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। सबसे पहले बात आती है कि नोनी क्या है। ये इस प्रकार का एक फल होता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आजकल नोनी हमें बोतल में भी उपलब्ध हो जाती है। नोनी का जूस आता है जो 1 लीटर की बोतल है। इसका साइंटिफिक नाम है मोरिंडा सिटोफोलिया। ये सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। आजकल इंडिया और चाइना में भी काफ़ी मात्रा में पाया जा रहा है। भारत के साउथ पार्ट और मिडिल भारत में ये मिल जाता है। भारत में ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। लोग इसको अपनाकर हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। किस में काम करती है, क्या क्या काम करती है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ये वेट लॉस करने में काम करती है। जो भी लोग मोटापे से ग्रसित हैं, जो अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा, उनको नोनी का सेवन करके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो वेट को मेंटेन करती है और आपके वेट को लॉस कर देती है। उसके बाद आती है बात हार्मोन्स इनबैलेंस में काम करती है। हार्मोन्स इनबैलेंस में आपको कैसे पता चलेगा कि आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हैं, उसके कुछ लक्षण आपको नज़र आएंगे। आपका मोटापा बढ़ जाएगा, थकान महसूस होगी आपको और आपके फेस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये उसके कुछ लक्षण हैं, ये उसमें काम करती है। उसके बाद आती है कि इम्यूनिटी पावर को मजबूत करती है। इम्यूनिटी पावर का कैसे पता चलेगा, कुछ लोग पुरुष या महिलाएं, बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो मौसम चेंज होते ही बीमार हो जाते हैं, कोल्ड हो जाता है, क्योंकि वो लोग अपने आप को मौसम के अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाते, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है। तो यहाँ पे ही काम करती है, इम्यूनिटी पावर को मजबूती देगी ताकि आप तुरंत बीमार ना हो सको। इसके बाद बात आती है कि जिन भी लोगों को सिर दर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, वो नोनी का सेवन करके इससे निजात पा सकते हैं। अगली बात मैं करना चाहूँगी कि नोनी जो है वो ब्लड प्यूरीफाई करने में भी हेल्प करती है। काफ़ी लोगों के पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है और पिंपल्स निकल आते हैं, तो वो किस लिए होती है, क्योंकि अंदर से हमारा जो ब्लड है वो प्यूरीफाई नहीं हो पाता। नोनी पीने से क्या होता है कि ये अंदर से ब्लड को प्यूरीफाई कर देगी, साफ़ कर देगी, ताकि आपकी वो पिंपल्स की समस्या ना हो। उसके बाद बात आती है शुगर, कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हो उसमें भी ये काम करती है। जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान है, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये काम करता है। यदि इसको रेगुलर पिया जाए तो आपके जो बालों की समस्या होती है, बाल गिरना, बालों में डैंड्रफ होना और बाल गिरकर और डैंड्रफ होकर गंजेपन की समस्या आ जाती है, तो ये सभी में काम करती है। ये काफ़ी बेनिफिशियल है बालों के लिए। बालों में एक अलग से चमक नज़र आएगी। 1 महीने के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती हैं, जो लोग 30 साल के ऊपर हो चुके हैं उनमें कुछ एजिंग के लक्षण नज़र आ जाते हैं, तो इसका सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, पोटाशियम और आयरन होता है, जो बोन्स के लिए, आँखों के लिए, हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। किन लोगों को नोनी नहीं लेनी चाहिए, प्रेग्नेंट औरतों को नोनी नहीं लेनी चाहिए, फीडिंग देने वाली माताओं को किडनी खराब होने पर, और जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है उनको भी नोनी का सेवन नहीं करना चाहिए। एक बात मैं और बताना चाहूँगी, फिर भी यदि आप चाहते हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही नोनी का सेवन करें, यदि आपको कोई बड़ी समस्या है, अदरवाइज़ आप नोनी ले सकते हैं। आगे मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी जो मैंने खुद महसूस किए हैं। मैं खुद 3 महीने से नोनी का सेवन कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट मिले, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाती। मुझे इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है, खुद शिल्पा सेठी मैम इसका सेवन करती है। खुद बताती है कि मैं मॉर्निंग में उठते ही 1 गिलास पानी में गुनगुना पानी होना चाहिए और उसमें 1 स्पून नोनी ज़रूर लेती हूँ डेली। वो रूटीन में इसको अपना रही हैं और अपनी बॉडी को उन्होंने फिट किया हुआ है। मैं यहाँ पे बता रही थी कि नोनी आप कौन सी चूज़ करें। यहाँ पे देखो, नोनी काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, नोनी के काफ़ी कंपनियों की आती हैं। तो यहाँ पे ये नोनी है, वेल नोनी है। इस वाली नोनी का क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, इसमें कोकुम मिला हुआ है साथ में। यहाँ पे लिखा हुआ है नोनी जूस कंसनट्रेट इनरिच्ड विद कोकुम। कोकुम क्या है, वैसे तो नोनी डिहाइड्रेट कर देती है बॉडी को अंदर से, लेकिन कोकुम क्या है, उसकी जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर देता है और आपकी जो बॉडी है उसमें बैलेंस बना के रखता है।
यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जो आप नोनी पी रहे हैं तो उसके साथ में आपको 8 से 10 गिलास डेली पानी का पीना है, क्योंकि ये पानी यदि आप नहीं पीते हो तो इसमें डिहाइड्रेशन हो सकता है। यहाँ पे देखो, समीर मोदी जी इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद इस पे सिग्नेचर किए हुए हैं। 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है इससे। और यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो देखिए 500 है। यदि आप मोदी केयर के मेंबर हो और आपने मोदी केयर ज्वाइन कर रखा है तो आपको यहाँ पे 30 से 40 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, मैं बता रही थी कि इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे ये आपके वेट लॉस करने में हेल्प करती है, और यदि आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपके फेस पे एक अलग से ही ग्लो, बालों में चमक और आपका वेट लॉस आपको होता हुआ नजर आएगा। मेरा भी 3 से 4 kg वेट लॉस हो चुका है, मेरे को अभी 3 महीने ही हुए हैं पीते हुए। ये देखिए, मैंने ये बोतल मेरी ख़त्म होने वाली है, अभी थोड़ी बची है। इससे पहले मैंने एक बोतल और पी ली, सेकेंड है, फिर मैंने थर्ड वाली ला के रखी हुई है एडवांस में। और यहाँ पे इसके साथ ये कैप आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ml, 15 ml एंड 13 ml। इससे मेजरमेंट करके आप इसका सेवन कर सकते हैं और अपने जो जीवन है उसको हेल्दी बना सकते हैं। तो इतना ही था, मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे सभी जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया जाए, वो भी इसका बेनिफिट उठा सके इन्होंने का। तो इतना ही था आज की वीडियो में। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।